स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टैक्स 2024 कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? ए कृषि, बी कपड़ा, सी पर्यटन, डी प्रौद्योगिकी। आंसर बी कपड़ा। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया। भारत टैक्स 2024 भारत में आयोजित अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी है। अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शैक्षणिक सत्र से ग्रेड एक में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? ए 2025, 26, बी 2026, 27, सी 2024, 25, डी 2023, 24। आंसर सी 2024, 25। एक्सप्लेनेशन, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटी को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि 2024-25 सत्र से ग्रेड एक में प्रवेश की आयु 6 वर्ष है। यह निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दोनों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप है। अगला प्रश्न, देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का क्या नाम है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया? ए सुदर्शन सेतु, बी विश्व सेतु, सी द्वारका ब्रिज, डी भारती सेतु। आंसर ए सुदर्शन सेतु। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को गुजरात के द्वारका में ओखा मुख्य भूमि और बेयर द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले लगभग 2.32 किलोमीटर लंबे देश के सबसे लंबे हस्ताक्षर पुल सुदर्शन सेतु को समर्पित किया। अगला प्रश्न, यूएई सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा की अवधि को बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? ए 4 साल, बी 5 साल, सी 6 साल, डी 7 साल। आंसर बी 5 साल। एक्सप्लेनेशन, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई की सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा की अवधि को बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म के अनुसार टूरिस्ट के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा यूएई में 5 साल तक वैलिड होगा। इसमें वीजा होल्डर्स को 90 दिनों तक एंट्री और एग्जिट की इजाजत मिलेगी। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 के किस नियम नंबर में बदलाव किया है? ए नियम 5, बी नियम 6, सी नियम 7, डी नियम 8। आंसर सी नियम 7। एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार ने हाल ही में सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 के नियम 7 में बदलाव किया है, जिसके तहत विवाहित जोड़ों के एक साथी के चिकित्सीय रूप से अनफिट होने पर उन्हें डोनर के एग या स्पर्म का उपयोग करने की अनुमति होगी, लेकिन दोनों में से एक गैमेट शुक्राणु या अंडाणु दंपति का ही होना चाहिए।